तो गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल 2 मिनट सॉल्यूशन में, जहां पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा विद इन 2 मिनट्स। तो गाइस आज का टॉपिक ये है कि अगर आपकी स्विगी आईडी और आप यहां पर अपना बैंक की डिटेल को चेंज करना चाहते हैं, मतलब जो आपकी बैंक की डिटेल पड़ी है आप उस बैंक को हटा के कोई दूसरा बैंक लिंक करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्रोम पे आना है। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पर वो जो आपको लिंक मिलेगा मेरे डिस्क्रिप्शन पे, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है कॉपी करके, ठीक है। तो आप जैसे ही यहाँ पर इसको पेस्ट करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, जैसे मेरे सामने ये खुल के आया है, ठीक है। इस फॉर्म को खुल के आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर अपनी ये सेलेक्ट सिटी पे अपनी सिटी दे देना, मतलब जहाँ से भी रहते हो, जहाँ भी आप काम करते हो वो सिटी दे देना है, DEID अपनी DEID दे देना है, अपना फ़ोन नंबर दे देना है और यहाँ पर अपना नाम दे देना है जो आपकी स्विगी की आईडी में पड़ा हुआ है। उसके बाद आपको करना है यहाँ पर नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो एक और चीज़ खुल के आई और यहाँ पर लिखा हुआ प्लीज़ चूज़ योर एरिया ऑफ कंसेंट, यहाँ पर आपको करना है क्लिक। अब यहाँ पर बहुत सी चीज़ें दिखा रहा है, किसी भी चीज़ को ना छूते हो। यहाँ पर आपको लिखा हुआ बैंक, पासबुक और इंश्योरेंस, इस पे आपको करना है क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप करिएगा क्लिक। नेक्स्ट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर लिखा हुआ ये जो आपकी प्रॉब्लम है 24 घंटे के अंदर हल हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिकली मुझे यहाँ पर अभी अपना बैंक का जो डिटेल है वो चेंज करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ चेंज बैंक डिटेल, इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। इसको आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे अब यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई अब जो आप नई पासबुक लगाने जा रहे हो वो यहाँ पर डिटेल आप इंटर करो, तो यहाँ पर दिखा रहा है नेम आपका जो पासबुक में नेम, वो अपना नेम यहाँ पर एंटर कर दो, ठीक है। नेम एंटर करने के बाद आप यहाँ पर पास मतलब बैंक नाम, क्या नाम, किस बैंक का है आप, किस बैंक की आपके पास पासबुक है दूसरा, मतलब जो आप लगाना चाहते हो वो आप यहाँ पर बैंक का नाम एंटर कर दो। अकाउंट नंबर, जो आपका अकाउंट नंबर है वो आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर इंटर कर दो। IFSC कोड, अपना जो IFSC कोड है आपके कॉपी में लिखा होगा, जो आपकी पासबुक होगी उसमें लिखा होगा, यहाँ पर वो IFSC कोड आपको कर देना है एंटर, ठीक है। इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको एक अपनी पासबुक की एक फ़ोटो खींच के यहाँ पर ऐड फाइल में क्लिक करना है। ऐड फाइल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे फोटो का ऑप्शन आ जाएगा, फोटो खींच के आपको इसको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ये सब चीज़ें कर दोगे यहाँ पर आपको सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस सबमिट के ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपका जो नया जो आप ऐड किया है ना वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा विद इन 24 आवर्स, आपके पास एक फ़ोन आएगा और यहाँ पर आपका जो नया बैंक है वो आपके मेन आईडी में अपडेट हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।